एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोग के लिए दाल मखनी विद जीरा राइस बनाऊंगी। आइए सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। एक कप उड़द दाल को मैंने भिगो रखा है 2 घंटा पहले। 3 चॉप्ड टोमेटो, 2 चॉप्ड अनियन, 1 स्मॉल टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून बटर, 3 टेबल स्पून घी, चाट मसाला, फ्रेश क्रीम। आइए सबसे पहले दाल को उबाल लेते हैं। इसमें 2 कप पानी ऐड कर लें। और स्वाद अनुसार सॉल्ट। अब इसे 5 से 6 सीटी तक पकने दें धीमी आंच पे। आइए जब तक हम लोग जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर लें। घी गरम हो जाए उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच साबुत जीरा ऐड कर लें। जब जीरा हल्का लाल हो जाएगा तब इसमें 1/2 छोटी चम्मच कूटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें राइस ऐड करेंगे। मैंने 1 बाउल राइस लिया है जिसको 2 घंटा पहले भिगो के रखा है। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लें। अब इसमें पानी ऐड कर लें। 1 बाउल राइस लिया है उसमें 2.5 बाउल पानी ऐड करेंगे। और इसे 10 से 12 मिनट धीमी आंच पे पकने दें। अब 10 से 12 मिनट बाद चेक करते हैं कि जीरा राइस तैयार है या नहीं। अब हमारा जीरा राइस बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स थोड़ा ऐड कर लें। अब दाल चेक करते हैं दाल रेडी है या नहीं। अब हमारा दाल बिल्कुल पक चुका है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। अब दाल मखनी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर लें। और 1 चम्मच बटर। अब चॉप्ड अनियन ऐड कर लेते हैं। चार से पांच मिनट भूनने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करें। इसे मिक्स करें।
1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लें। टर्मरिक पाउडर ऐड कर लें। लाल मिर्च ऐड कर लें। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें चॉप्ड टमाटो ऐड कर लें। तड़का लगाने के लिए 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर लें। अब तड़का को ऐड कर लें। वन टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लें। अब हमारा दाल मखनी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व करते हैं। अब हमारा दाल मखनी अंजीरा राइस खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कितना यम्मी लग रहा है आप देख सकते हैं। अब घर पर बना के ट्राई करें और इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।